तो जय हिंद साथियों, आप सभी को पीवीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश के बारे में बताया था कि इंग्लिश कैसे हुआ, कहाँ से ये प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो क्या निकलता है, ये तमाम चीज़ें बातें की थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आइकन पर दिखाई दे रहा था, वहाँ पर क्लिक करके देख लेना है। शायद उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ भी जाकर देख लेना। पहले उस चीज़ को हम लोग एक छोटी सी टर्म में रिविजन कर लेते हैं जो पिछले क्लास में पढ़े थे। हमने पिछले क्लास में बात किया था, एकदम थोड़ा सा समय देना साथियों, पेशेंस रखो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ पिछले क्लास में क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था साथियों, इंग्लिश की बात किया था, हमने बात कर लिया था साथियों पिछले क्लास में क्या चीज़ इंग्लिश की है क्या, तो हमने सीखा था कि सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो होता है साउंड से बनता है और साउंड क्या क्या चीज़ आते हैं। तो हमारा ए से लेकर के जेड तक जो लेटर होते हैं, यानी कि जिसे अल्फाबेट बोलते हो, वहाँ से जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं साउंड निकलता है, साउंड जो जो कुछ भी बोलते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज कहलाता है, हिंदी में बोलते तो हिंदी लैंग्वेज कहलाता है, या मराठी में बोलते तो मराठी कहलाता है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने सीखा था पिछले क्लासेस में। फिर हम लोगों ने सीखा था क्या सीखा था साथी बताओ, इंग्लिश हम लोग सीखा था लैंग्वेज है, जल्दी जल्दी कर लूँ, लैंग्वेज हम लोगों का बन के आया था साउंड से, बात याद रखना इंग्लिश लैंग्वेज था, लैंग्वेज साउंड से बन के आया था। पिछले क्लासेस की बात है, आप लोग उस वीडियो को जाकर पूरा वॉच करना ताकि आपको बेहतर कंसेप्ट समझ में आ गए साथियों, समझ रहे हो ना मेरी एक एक बात है। क्योंकि इंग्लिश सीखना है तो जड़ पे काम करना होगा, क्योंकि देखो साथियों एक बात समझना, कहीं भी पेड़ देखे हो ना, तो पेड़ क्या होता है, जब उसकी जड़ें मजबूत होती है ना, तो पेड़ के आंधी या तूफान, यानी आंधी तूफान का मतलब है क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेवल कैसा भी आओ ना, आप साथियों याद रखना किस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, सिक्स से लेकर के आप ट्वेल्थ तक होना, ये जो मैं ग्राम पढ़ाऊंगा सिक्स से ट्वेल्थ के मैं बेस्ट करके मतलब पैटर्न पे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। उसके आगे के मैं नहीं बोल सकता, इस रूल सारे जो अप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन हाँ सिक्स से ट्वेल्थ तक जितने इसके अंडर में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आप यूँ चुटकियों में करके बनाओगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। चलो, हम लोगों ने सीखा था इंग्लिश क्या लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या साउंड, और हमने सीखा था साउंड कहाँ से हम लोग का निकल कर आता है, ये सीखा था ए से लेकर के जेड यानी 26 लेटर हमने सीखा था साथियों, 26 LETTERS, ठीक है। और इसी को समूह को हम लोग, इसके समूह को क्या बोलते थे, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ साथियों, फटाफट जल्दी बताओ 26 लेटर को क्या बोलते हैं। अरे साथियों 26 लेटर का ग्रुप को हम लोग बताए थे ना आपको पिछले वीडियो में, देखे हो ना आप, देखे हो ना, तो हमने बताया था 26 जो लेटर होता है उसी को हम लोग तो अल्फाबेट बोलते हैं ना साथियों, अल्फाबेट बोलते हैं ना, अल्फाबेट यानी कि आप बोलते हो क्या चीज़ इसको, अल्फाबेट को क्या बोलते हो, वर्णमाला, समझ रहे हो ना, वर्णमाला, देखो वर्ण माला, माला समझ रहे हो, एक एक वर्ड से आपको सिखाऊंगा। देखो माला, माला क्या होता है, ऐसे ऐसे गोरे गोरे को घेरे घेरे को क्या होता है, ऐसे ऐसे मिल करके एक माला बनता है, तो वर्णों को ऐसे ऐसे मिला मिला करके एक समूह बन जाता है 26 लेटर, उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो ऐसा से कंसेप्ट बताऊंगा ना आप सीख जाओगे, सीखना आपका मतलब सीखना क्यों, आपको मन भी ना हो ना तब भी सीख जाओ, ठीक है। तो अल्फाबेट हुआ, अब इस 26 लेटर में हम कुछ ऐसे काम करें, इनमें से 26 लेटर जो थे, ये देखिए यहाँ पर 26 लेटर लिखा हुआ है, तो इनमें हमने पिछले क्लास में बताया था कि इनमें से कुछ भावेल कुछ कॉन्सोनेंट मिला करके हम क्या बनाते थे साथियों, तो हम एक यहाँ से वर्ड का निर्माण करते थे, हमने बताया था आपको तो पिछले क्लास में, और वर्ड से फिर बना था सेंटेंस की कहानी आया था, और सेंटेंस से फिर हम लोग कहाँ ले गए थे, पैराग्राफ पे ले गए थे, और पैराग्राफ से आपको स्टोरी के निर्माण करवाते थे, स्टोरी से फिर ईपिक पे चले गए, ठीक है। ये पिछले क्लास की बात थी, पिछले क्लास में हम लोग सेंटेंस की भी बात किए थे, लेकिन एक बात याद रखो, कंसेप्ट एक ही सीखो, दुनिया में कोई भी ऐसा वर्ड हो, दुनिया में याद रखना एक चीज़ फैक्ट याद रखो, क्योंकि ये सारे बच्चे हमारे हिसाब से सारे बच्चे गलती इसमें करते ही हैं, दुनिया का ऐसा कोई भी वर्ड हो इसमें भवेल होगा ही होगा, ऐसा कोई वर्ड मुझे कमेंट करके बताओ साथियों, कमेंट कर देना मुझे ऐसा कोई भी वर्ड दिख जाए जो विदाउट भवेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपको मैंने बताया था ना 44 साउंड होते, ये चीज़ बातें बताया था ना आपको, क्योंकि जब भी कोई लेटर लिखोगे वहाँ भवेल आएगा ही आएगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जहाँ भवेल नहीं लगता, ठीक है। हमने एक चीज़, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे, सर आप मुझे बता दो थोड़ा जल्दी से कि मैं कैसे पहचानूंगा, तो आप इस तरीके से ए बी सी डी जो मैं लिखा हूँ इस तरह लिख लेना, और फटाक से ना देखो बवेल कौन होते, देखो ऐसे लाना तीर को और ऐसे कर देना और ऐसे करके ऐसे लगा देना, ये जो आपके है ना पार्ट, ये साथियों देखो ए ई आई ओ यू, लेटर की बात कर रहा हूँ मैं, साउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेटर की बात कर रहा हूँ, तो ए ई आई ओ यू ये क्या होती है, आपके बवेल होते, ठीक है, बवेल होते हैं, ठीक है। चलो, ये जो W और Y, यहाँ पे एक W दिखाई दे रहा होगा और एक Y दिखाई दे रहा होगा, ये बोलते हैं सेमी बवेल, क्या बोलते हैं साथियों,
सेमी बॉबिन, ठीक है, यानी कि देखो सेमी बॉबिन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं साथियों, सेमी बॉबिन बोलते हैं। मैंने ये चीज़ आपको नहीं बताया था एक्स्ट्रा, ये चीज़ें मैंने सोचा कि इनबिल्ड कर दूँ और रिविजन भी हो जाए, ठीक है। चलो, हमने आया था एक चीज़ों पर, हम लोग डिस्कस करके आ गया था, आगे तक बढ़ चुके थे साथियों, सेंटेंस तक हम लोग पिछले क्लास में पहुँच चुके थे, क्या चीज़ पे, सेंटेंस पे। तो हम वहाँ से अपनी क्लास को क्या करेंगे, फर्दर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो विद इन ए सेकेंड वेट कर लो, थोड़ा सा रब कर लूँ, ठीक है, वेट कर लो, थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ा इसको रब कर लूँ तो तनिका बढ़िया से बता सकता हूँ। ये चीज़ें नोट किए थे ना, तो पीछे करके नोट कर लेता हूँ, ठीक है, नोट कर लिए होगे मुझे आशा है। आ जाओ, हमने बताया आपको कि सेंटेंस तक हम लोग आ चुके थे, सेंटेंस वाली चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस समझो, ठीक है, सेंटेंस, सेंटेंस में हमने सीखा था कि तीन पार्ट होता है, कौन कौन होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तीनों को चीज में होता है, ठीक है। उसके बाद जो लगाना हो लगा देना, वो आपकी मर्जी है, लेकिन समझो हमने कहा कि सेंटेंस के साथ ही हम लोग समझेंगे कैसे कि सेंटेंस एक्चुअली जो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, फिर आपका वर्ब कौन होता है, कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, कैसे समझोगे। सेंटेंस का मैं फॉर्मेशन समझा रहा हूँ, और ये जो फॉर्मेशन यूनिक तरीका सीखोगे, ये सिर्फ मेरे क्लास में पहली बार सीख रहे होगे, ये यूनिक तरीका मैं आपको साथ डिस्कस करने की कोशिश, ठीक है, समझो। आप सेंटेंस के कभी भी लिखते होगे, सेंटेंस का जब भी कभी भी लिखते होगे, ठीक है, याद रखना यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट लिखना, यानी कि तरीका नंबर पहला, यानी कि तरीका जो देखते हो ना, गाँव में कहते हैं ना हम लोग जाते हैं, कहते तरीका पहल का जमा लो, दूसर का तरीका जमा कर देखो, तो पहल का तरीका समझो। जब भी आप वर्ड लिखते हो, वर्ड क्या लिखते हो, वर्ड, एक वर्ड लिखा, फिर एक वर्ड का एक और वर्ड लिखते हो, समझो यहाँ पे, फिर एक और वर्ड लिखते हो, क्या लिखते हो, वर्ड, और चाहो तो बहुत सारे वर्ड लगा सकते हो, ठीक है, समझना। एक यहाँ पे वर्ड लिखते हो सेंटेंस में, सेंटेंस में वर्ड ही तो होते हैं ना, सेंटेंस कैसे बोलते हैं, वर्डों को समूह, ऐसा वर्ड का समूह होना चाहिए जिसका एकदम बढ़िया सा मतलब निकले, स्ट्रक्चर उसका सही होना चाहिए, और उसका कंटेक्चुअली, कंटेक्चुअली मतलब बताऊंगा क्या होता है कंटेक्चुअली, मीनिंग सही होना चाहिए, ये बताऊंगा कैसे होगा, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, स्ट्रक्चर तो सही होना ही चाहिए, ठीक है, ये बताऊंगा, बने रहना। हम यहाँ बता रहा हूँ वर्ड होता है सेंटेंस में, फिर एक वर्ड होता है, फिर एक वर्ड होता है, समझना। यहाँ पे जो पहला वाला वर्ड होता है ना साथियों, समझना, जो पहला वाला वर्ड होता है वो आपका क्या होता है साथियों, सब्जेक्ट, समझना। यहाँ पे केस टू में जब आता है, यहाँ पे जो ये वाला वर्ड होता है वो आपका क्या होता है साथियों, वर्ड होता है, क्या होता है, वर्ड, और जो यहाँ पे जो वर्ड होता है वो होता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, समझना, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग केस टू अराइज कर रहे हैं यहाँ, केस टू छोटा छोटा लिखने की प्रयास करूँगा, ठीक है, ताकि इसमें अट जाए इतने ही में। अब देखो जब हमारा एक सेकेंड केस अराइज होता है, इसको मैं यहाँ लिख दूँ तो बेटर होगा, एक सेकेंड लिख दो ना, यहाँ पे मैं लिख दूँ तो बेटर लिख पाएंगे, थोड़ा कर लूँ। देखो सेकंड केस मैंने फिर राइज किया था, एक वर्ड होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ, क्या होगा साथियों, यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्ड होगा, क्या होगा साथियों, वर्ड होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ साथियों वर्ड होगा, और तीसरा वाला में कुछ होगा, ये दो वर्ड का सेंटेंस मान लो होगा, जैसे एक बहुत सारा वर्ड का सेंटेंस था, एक ऐसा भी पार्ट आया जिसमें दो ही वर्ड हो, क्या हो साथियों, दो ही वर्ड हो, दो वर्ड का सेंटेंस हो। एक मैंने केस थ्री राइज किया, केस थ्री, केस थ्री में क्या हुआ कि यहाँ ना वर्ड था, यहाँ भी नहीं था ना यहाँ था, सिर्फ यहाँ वर्ड था, देखो ये जो बीच वाला वर्ड था ना साथियों, इसे हम क्या चीज मान के लेके चलते हैं साथियों, वर्ड मान के लेके चलते हैं, क्या चीज, वर्ड, यहाँ भी क्या था, वर्ड, यहाँ क्या था, यहाँ भी क्या आ जाएगा। ये फॉर्मेशन समझने के थोड़ा आपको बढ़िया तरीके से मेरे बातों को सुनना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे, नहीं तो ये आपको लगेगा क्या ऐसे ऐसे पढ़ा रहे, कुछ यार कुछ बताया नहीं, लॉजिक कुछ नहीं समझा रहा, क्या लिखवा रहे, बट समझना पड़ेगा। देखो जब भी आप सेंटेंस लिखते हो ना, तो क्या होता है, वर्ड ही तो होता है ना, एक वर्ड होता है, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार पांच, हम उतना लगा दो, तो वर्ड ही तो होते हैं,
वो पहला जो वर्ड होता है साथी वो आपका सब्जेक्ट होता है जो आप बनाते हो, फिर दूसरा जो होता है वो वर्ब होता है, वर्ब में आपका एक्जिलिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, लिंकिंग वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, ट्रांजेटिव इन ट्रांजेक्ट, ट्रांजेटिव इन ट्रांजेटिव बताऊंगा क्या होता है इसी वीडियो में, मतलब इसके अगले फादर वाला वीडियो में बताऊंगा आगे वाला में, फिर ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट होगा, फिर उसके आगे बहुत सारा कुछ होगा, ठीक है वो सारे चीज समझेंगे। फिर या तो दो वर्ड के सेंटेंस भी देखे होगा ना, दो वर्ड का सेंटेंस आपने देखा होगा, उसमें जो पहला वर्ड हम लोग लेते हैं ना उसको सब्जेक्ट मानते हैं और जो दूसरा वर्ड उसे वर्ब मानते हैं। तीसरा आपने देखा होगा एक ही वर्ड का होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं गो सीट डाउन बैठ जाओ, बोलते हैं ना गो हियर, एक ही वर्ड में लग रहा है, जैसे बोलते हैं स्टैंड अप, तो ये सब क्या एक वर्ड का सेंटेंस, ये सेंटेंस का काम कर रहा है। बट मुझे बताना यहाँ पे कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है तीनों में, यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है बट आपको नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आप यहाँ पे बिगनर हो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक, यहाँ पे एक ही जगह ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है बात समझना। तो हमें इस वाला केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, ठीक है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, मुझे वर्ब सब जगह कॉमन दिखाई दे, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है और यहाँ भी वर्ब है, ये तीनों जगह वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब का मतलब है क्रिया, हमें तीनों जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ भी केस वन में भी, केस टू में भी, केस थ्री में भी वर्ब हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं वर्ब, यहाँ पर तीनों में मुझे वर्ब क्या है कॉमन दिखाई दे, ठीक है साथियों कॉमन दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताओ साथियों फटाफट, ये तीनों में कॉमन दिखाई दे रहे थे, मुझे कुछ अनुमान लगा पा रहे हो, कोई भी सेंटेंस में वर्ब बहुत जरूरी है, हम लोग बोल सकते ना, बोल सकते हैं ना मन से अपने एक डिफिनेशन ला सकते हैं ना, वी कांट इमेजिन, वी कांट, लिखो फटाफट, वी कांट इमेजिन ए सेंटेंस विदाउट वर्ब, बिना वर्ब के सेंटेंस की इमेजिन यानी कि सोच भी नहीं सकते कोई सेंटेंस हो सकता है, ठीक है ना, हम सोच भी नहीं सकते कि वो सेंटेंस हो सकता है साथियों, क्योंकि वर्ब के बिना सब्जेक्ट का निर्माण करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि मैंने जब वर्ड बोला था स्टैंड अप, स्टैंड अप क्या है वर्ब है, क्या है साथियों वर्ब है, ठीक है, मैं आप सबके कमेंट देख पा रहा हूँ, फटाफट कमेंट करते रहना जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपके क्या हमने समझा कि वर्ब सब में जरूरी होना चाहिए, अब मुझे एक दिमाग में आ रहा है आपको सोचना चाहिए, सर जी मुझे बता दो यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है क्यों, क्या बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ये फटाफट नोट करो, इसको डायग्राम बनाओ, और एक चीज़ बात याद रखना, अपने नोट्स बनाने की कोशिश करना, बाकी बाय द वे मैं तो पीडीएफ दूंगा, आप पीबीआर स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पीडीएफ मिलेंगे, सारे टाइपिंग की हुई पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। बट ये जो चीज़ मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, कंसेप्ट ये चीज़ इनबिल्ड नहीं हो सकता ना पीडीएफ में, जो कंसेप्ट चीज़ वाले हैं जो मैं बोल रहा हूँ उन सबको नोट डाउन करते चलना, ठीक है, क्योंकि ये आपके काम आएंगे जब मैं इसकी जब क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए क्वेश्चन मैं किस किस बुक से कराऊंगा वो भी लिख लो फटाफट, मैं बता देता हूँ, बिहार से हो गए, यूपी से हो गए, जो यूपी एमपी झारखंड या राजस्थान किसी भी बोर्ड से हो गए वहाँ पे एक बुक चलती है, दिल्ली से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे एक बुक चलती है, ऑक्सफोर्ड का नाम सुने होगे, ऑक्सफोर्ड जो आर के सिन्हा के द्वारा लिखित एक बुक होती है, हर जगह मैक्सिमम देखा जाता तो चलता है, तो उनकी जो जूनियर वाला जो ग्रामर का बुक है, क्योंकि जूनियर में सारी चीज़ कवर हो जाते हैं, ठीक, जूनियर और साथ ही साथ करंट भी करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो करंट भी करवाऊंगा, लेकिन जूनियर में 100% करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जूनियर करवाऊंगा तब आपके बेस मजबूत होंगे, तो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर होता है वो करवा दूंगा, और उसकी मतलब वो करने के बाद ना आपके इंग्लिश में ऐसे करोगे, ऐसे बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तब ये करवाऊंगा आपको, ठीक है, ये बात याद रखना। हमने समझा कि अभी हमने बात की है कि सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन सकता है या नहीं, ये चीज़ें मैं आपको बताने के प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, इसे थोड़ा मिटा लूँ फिर आपको बताता हूँ, थोड़ा मिटा लूँ, वेट करना गाइस। साथियों हमने बात किया था कि सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस के हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, बताना मैंने अभी ड्रॉप कर लिया, ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेंटेंस बिना सब्जेक्ट की बन सकती है या नहीं, आप मुझे फटाफट कमेंट बताओ, मैं एकदम 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सबको बता दो, आप जितनी दिमाग है ना वो दिमाग करके पावर जो है ना आप लगा दो, इसमें लगा दो, मैं देख रहा हूँ आप सबके कमेंट, फटाफट कर दो सबके, मैं कमेंट देखा फटाफट करो, साथियों बता दो मुझे बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता, आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला स्टैंड अप, क्या चीज बोला साथियों स्टैंड अप, यहाँ पे सर सब्जेक्ट कहाँ है, कहोगे ना सर यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, तो वर्ब है,
आपने बताया भारत के बिना सेंटेंस के हम लोग सोच भी नहीं सकते, सेंटेंस बन ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ साथियों, आपकी बात से मैं एग्री हूँ, मैं आपकी बातों से एग्री हूँ साथियों। लेकिन बताओ यहाँ पे क्या बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस क्या निर्माण पॉसिबल है? आप मुझे बताओ, फटाफट बता दो साथियों। मैं बताता हूँ, कभी भी नहीं। आप पूछोगे कि इज इट पॉसिबल टू फॉर्म ए सेंटेंस, फॉर्म मेक नहीं, सेंटेंस को बनाया जाता है, खानों को मेक किया जाता है, उसको समझो कि मतलब यहाँ पे क्या लगा होगा, फॉर्म लगा हुआ, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू फॉर्म ए सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट? तो मेरा आंसर होगा साथियों नो। भाई सब्जेक्ट होना जरूरी है, जब कोई बंदा होगा ही नहीं, जब कोई व्यक्ति होगा ही नहीं तो काम कैसे होगा? यहाँ पे स्टैंड अप किसको बोले? स्टैंड अप जब होगा, कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ रहा है, कोई ना कोई सब्जेक्ट है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई, जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई चीज इनविजिबल चीज, काम हो रहा है बट दिखाई नहीं देता है, वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट है बट आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन देखोगे कैसे, मैं बताता हूँ। हम देखते बोलते हैं स्टैंड अप, देखो पहले इसको समझने से पहले आपको पर्सन आना चाहिए। मैं बोल के समझा दूँ, कहूँ तो लिख के भी समझा दूँ, कोई इशू नहीं है, समझो, क्योंकि समझने से बहुत जल्दी समझ जाओगे। जो फर्स्ट पर्सन होता है ना साथियों, फर्स्ट पर्सन वो स्पीकर होता है, जैसे मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ ना, मैं क्या हूँ? स्पीकर हूँ। स्पीकर यानी कि जो बोलता है, जो कहता है, जो कुछ भी डिलीवर करता है, हम लोग तो फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, समझ गए। सेकंड पर्सन समझो, सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है? यू, दोनों में सिंगुलर प्लूरल में यू ही आता है, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या करता है ना, सुनने का काम करता है, क्या चीज़ का? कान से सुनने का काम करता है। कान ही से सुनते हो ना तुम लोग, ऐसा तो नहीं ना कि तुम एलियन हो, दूसरे कुछ से सुनते हो ना, कान ही से सुनते हो ना। सेकंड पर्सन जो यू होता है ना, वो लिसनर होता है, वो जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम बातें करते हैं तो हमारी बातों को सुनता है, वो क्या करता है, हमारी बातों को सुनता है, जो भी कुछ हम बोल रहे हैं ना। जैसे हम फर्स्ट पर्सन हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो और सुन रहे हो ध्यान लगा करके, ठीक है, तो आप क्या हो? लिसनर हो, क्या हो? लिसनर हो, यू हो तुम, सेकंड आप जो हो ना, सेकंड पर्सन हो। और जो थर्ड पर्सन होता है ना, थर्ड पर्सन, हम लोग तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि गाँव देहात में क्या बोलते हैं लोग, जैसे लेडीज लोग होती है कि फलना जी का लड़का बहुत बेकार हो गया, तो फलना जी यानी कि थर्ड पर्सन, उसके बारे में बात की है। और आप वहाँ खड़े हो गए, आप बातों को सुन रहे हो ना उनकी, जो बोल रही है वो लेडीज, क्योंकि बातों आप सुन रहे, तो सेकंड पर्सन के बारे में बात हुआ, थर्ड पर्सन, और जो बोल रही थी वो लेडीज, वो फर्स्ट पर्सन। नहीं समझे ना? जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपके, आप सुन रहे हो सेकंड पर्सन, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, आप ये चीज़ की किसके बारे में बात कर रहे हो? इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश क्या हो? थर्ड पर्सन हुआ। अब तो साथियों समझ गए होंगे, इतनी भी ना समझ नहीं हो कि ना समझ में, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हो। फिर भी इसको नहीं समझ में तो वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस करना, फिर देख लेना, समझ में आ जाए। ये बातें कर लिए, तो हमने जैसे बोला स्टैंड अप, तो कोई ना कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होगा, अभी तो उसको हमने ऑर्डर कुछ बोला होगा, इसे बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है सर, इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, बात याद रखना। तो हमारे सामने कोई खड़ा होगा, जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, हम कहेंगे बच्चे स्टैंड अप हो जाओ, फ्रेश प्यारे विद्यार्थी खड़े हो जाओ। तो जैसे मैंने स्टैंड अप आपको बोल रहा हूँ, यानी कि सेकेंड पर्सन आप हो, तो आपको मैं, आपको का स्पेलिंग क्या होता है? यू। तो यहाँ समझना, तो यहाँ जो यू होता है क्या होता है, यहाँ पे यू छिपा हुआ रहता है, ये दिखाई नहीं देना चाहता है, कहता है हम नहीं दिखाई देंगे, हम भाई छिपले रहेंगे, लेकिन काम करेंगे कैसा? सब्जेक्ट का, पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ सब्जेक्ट हैं। ये कहता है इंग्लिश में कि हम मालूम नहीं पढ़ने देंगे कि हम यहाँ हैं, लेकिन काम कर देंगे। कहते हैं ना, जैसे हम लोग विधायक जी होते हैं, कहते हैं ना हम फोन कर देंगे तो काम हो जाएगा, वैसा ही काम ये कर रहा है, यहाँ पे है नहीं बट ये इनविजिबल वे से काम कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं साथियों? इलिप्सिस। यार इलिप्सिस का मतलब होता है शब्दों का लोपन, यानी कि हिडन एलिमेंट। तो यहाँ हिडन एलिमेंट कौन था? यू, क्योंकि यू क्या होता है आपका? सेकेंड पर्सन होता है। क्या होता है साथियों? सेकेंड पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन को अभी बताया क्या होता है? लिसनर होता है, LIST। लिसनर को क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। और बात याद रखना यहाँ पे, जो से जो इस वाले जो सेंटेंस को क्या बोलते हैं साथियों? इसे बोलते हैं साथियों इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि जिसमें आज्ञा, आदेश, कमांड, ये सारी चीज बात आ जाए, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, अभाव का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट, भाव का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। जैसे मतलब गो देयर, जैसे देखो यहाँ पे, देखो जैसे गो देयर,
यहाँ पर देर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वो क्या है वी1 का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है समझना। अब एक चीज मुझे दिमाग में आ गया वी1, देखो साथियों मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ वी1 वी2। बाय द वे देखा जाए इंग्लिश ग्रामर के अनुसार बात माना जाए, एक कहानी इसके पीछे लॉजिक समझ लो, वी1 नाम का कोई चीज होता ही नहीं है इंग्लिश ग्रामर में, याद रखना पहली बात, वी1 वी2 वी3 नाम का कोई चीज होता नहीं है। लेकिन छोटा बच्चा, देखो ये कहानी था, छोटे बच्चे थे, उन सबको इंग्लिश समझाने के लिए एक बुक में लिख दिया गया कि वी1 वी2 वी3 होता है, तो सारे ग्रामर्स ने इसको धीरे धीरे कॉपी पेस्ट करते करते इसको लिखा गया ताकि बच्चे को आसान हो। लेकिन आप मुझे बताना, गांव में किसी व्यक्ति के पास 3 या 4 लड़के होते हैं तो कहीं ये कहीं सुना है आपने बेटा 1 बोलता होगा, बेटा 2 बोलता होगा, बेटा 3 कहीं बोलता है? आप जरा गौर से सोचने, दिमाग से प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ो, एकदम उससे कनेक्ट करके पढ़ो, तब समझ में आएगा। क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश बाबू लैंग्वेज है, और लैंग्वेज अपनी नहीं है, दूसरी की है, तो बात को कनेक्ट करके सीखोगे ना तो बहुत मजा भी आएगा और बढ़िया तरीके से सीख भी पाओगे। हमने कहा कि गाँव में किसी की बेटा होता है, 4 का लड़का है उनका, तो क्या वो बोलते होंगे कि बेटा 1 इधर आओ, बेटा 2 वहाँ जाओ? नहीं बोलते होंगे। तो लड़का का कुछ ना कुछ नाम होगा ना। मैं बताता हूँ कौन कौन सा नाम होता है, थोड़ा जल्दी से सुन लेना, ठीक है? और यहीं पे हम थोड़ा अभी समझाने के प्रयास करते हैं, समझना, थोड़ा जल्दी से मैं बता दूँ, थोड़ा एक सेकेंड रुक जाना, एकदम यहीं पर लिख दूंगा, जस्ट यहीं पर लिखूंगा और समझने के प्रयास करो, ठीक है? यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, देखो यहीं में आ जाएंगे, समझने का प्रयास करना। ये जो आप V1 लिखते हो ना, ये जो V2 लिखते हो, ये जो V3 लिखते हो, V4 लिखते हो, V5 लिखते हो, इन सब का V1 V2 V3 V4 5 कुछ नहीं होता है इन नाम का, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। V1 V2 V3 जो बोलते हो साथियों, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बट याद करने के लिए, आपको आसान बनाने के लिए साथियों ये सब लाया गया। एक्चुअल नाम क्या होता है मैं बताता हूँ, समझ लो ये कॉन्सेप्ट, समझ लो जो V1 होता है ना, इसको बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं साथियों? प्रेजेंट। जो V2 होता है इसे बोलते हैं पास्ट, क्योंकि इसे पास्ट टेंस में यूज करते हैं ना। और जो V3 होता है इसे पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। क्या चीज? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है? V3 को पास्ट पार्टिसिपल। और जो V4 होता है ना, V4 जो पर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, चलो यहाँ कर दे रहा हूँ, जो V4 होता है ना इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। और जो V5 होता है, जो ये V5 दिखाई दे रहा है ये वाला, तो पता है क्या बोलते हैं? यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर समझ, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं, जिसमें एस और यस लगा होता है, ठीक है? तो क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं जिसमें एस और यस लगा होता है, समझ गए ना? अब से क्या बोलोगे आप? हब कप हम्स का क्या क्या नाम होता है बता दो। तो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, ठीक है, फिर पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और मॉर्फोलॉजिकल होता है, ठीक है? ING फॉर्म वाला को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जो V4 लगाते हो ING वाला फॉर्म को तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो अब से आप गलती नहीं पढ़ना, बस जानकारी के लिए रखो। लेकिन आप जाओगे ना अभी भी व्यक्ति के पास, ये बोल दोगे ना प्रेजेंट पास्ट, तो गलत कर देंगे आपको, पता है? आपको गलत साबित करेंगे, यानी कि नहीं ये चीज होता ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं। तो उनको मत कहो कि तुम गलत हो, लेकिन तुम जानकारी के लिए याद रख लो। क्योंकि जब आप ऊंचे लेवल में पढ़ोगे ना, जब 12th करने के बाद ग्रेजुएशन से थोड़ा सा ऊपर जाओगे, तो ये चीज़ें मिलेंगे पढ़ने की, है बुक में है, लेकिन उस लेवल की बुक पढ़ोगे तो मिलेगा, तो ये बात है, ठीक। और मैं यहाँ पे सेंटेंस की, इसके बाद वाला जो क्लास हम लोग लेंगे वहाँ पर सेंटेंस के बारे में बताऊँगा, सेंटेंस के टाइप्स, ठीक है? सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, उसी में क्लॉज भी पढ़ा दूंगा आपको। तो बस ये थी हमारी जो सेंटेंस में, कैसे हम समझ पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस का क्या पार्ट था, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, क्या सब्जेक्ट के बिना ये चीज़ें हो सकती थी, ये चीज़ें हम तमाम चीज़ें सीखा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल का आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मेरे वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।